हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज। अभी हम डिस्कशन करेंगे पुलिस क्लेम्स इंदौर इन द मोस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द स्वाभिमान अंचल। ओके, सो स्वाभिमान अंचल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी एंड एक्सप्लेन बाय मी गणेश। सो चलिए देखते हैं इसके ऊपर पूरा डिटेल हम देखेंगे। सो रिसेंटली उड़ीसा पुलिस जो है उन्होंने क्लेम किया कि उनको एक बिग सक्सेस मिला। किस लिए? ना क्योंकि डेवलपमेंट बाय द स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्वाभिमान अंचल। सो ये स्वाभिमान अंचल कहाँ पे है? सो स्वाभिमान अंचल ये मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। एक ये यहाँ पे जो है उसको पहले बोलते थे कट ऑफ एरिया जो कि है। ओके, सो ये कहाँ पे? ना मालकानगिरी में, जो कि एक माओस्ट का जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां पे है उनका। सो ये एरिया के बारे में देखेंगे, स्वाभिमान अंचल के बारे में देखेंगे। ये जो एरिया है ये चारों तरफ जो है इनहॉस्पिटेबल है। ओके, एंड टेरेन है, जो कि किस लिए? क्योंकि इसका जो है वाटर फ्रॉम द थ्री साइड है। ठीक है, तीनों साइड से वाटर है एंड एक साइड में क्या है ना इनहॉस्पिटेबल टेरेन है। बाय द अनदर हैड लॉन्ग बीन स्ट्रॉन्ग होल्ड बाय द नक्सलाइट। इसलिए क्या है ना, नक्सलाइट वहाँ पे क्या है ना स्ट्रॉन्गली वहाँ पे छुप सकते हैं। मेनी ऑफ देम फ्रॉम द उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वो क्या है ना, जब पुलिस का जब वहाँ पे अटैक होता है, ठीक है, माओस्ट के ऊपर, उस टाइम में क्या है वो छुप जाते एंड स्लिप हो जाते। किस लिए? क्योंकि ये स्वाभिमान अंचल के वजह से। सो स्टेट पुलिस वॉज अफ्रेड ऑल्सो दैट टाइम वेंचरिंग इन टू द एरिया, क्योंकि वो पूरा जंगल है। सो देट क्या है ना, स्टेट का जो पुलिस है वहाँ पे जाने का डरते थे अभी। लेकिन अभी जो है रिसेंटली जो पुलिस को जो कि एक सक्सेस मिला है, जो कि वहाँ पे जो है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट पुलिस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी ऑपरेटिंग बेस, जो कि शॉर्ट में बोलते COB, इन दिसंबर 2019 में एक हुआ था एट द हंतलगुड़ा जो कि जगह है वहाँ पे। देन उसके बाद जो कि कंपनी ऑपरेटिंग बेस जो कि दाला बेदा, जो कि मार्च 2020 में भी एक सेटअप हुआ है। सो यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन रोड जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है। नाउ अभी जो है ऑटो रिक्शा भी जा रहे हैं एंड अदर मोड ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जा रहा है। एंड ऑल्सो टिल सम मंथ एगो टू व्हीलर वहाँ पे जा रहा था एंड ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द एरिया में जा रहा था। सो ये जो है ये रोड से हैव नॉट ओनली द हेल्प द इम्प्रूविंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट बट ऑल्सो जो है एनकरेजिंग द अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, बिना रोड में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गाड़ी तो जा नहीं पाएगा। आपका जो ट्रांसपोर्ट है, कुछ भी सामान इधर से उधर लेना है तो कैसे लगे, तो रोड चाहिए। तो अभी रिसेंटली जो है ये रोड को डेवलपमेंट किया है एंड सो देट क्या है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी अच्छा है एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जैसे कि क्या है ना, ट्रक्स हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, तो अभी इंटरनेट प्लेस में जा सकते हैं एंड हैवी ड्यूटी मशीन से ऑल्सो वो रिमोट पॉकेट एरिया में भी ले सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और ये कि एम्बुलेंस, ओके, वो भी वहाँ पे अवेलेबलिटी होगा एंड जो कि रूरल एरिया कॉर्नर एरिया में भी पहुँच सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।